Dear students, welcome to lecture number 4 of chapter 13. इस लेक्चर में हम दो डिवाइसेस रियोस्टेट और थर्मिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक आर्टिकल 13.7 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स को स्टडी करेंगे. रियोस्टेट की दो एप्लीकेशंस, रियोस्टेट एज अ वेरिएबल, रेजिस्टर कैसे यूज होता है उसको हम देखेंगे, और रियोस्टेट को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करते हैं. जबकि थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन और इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करें. लास्ट में हम 13.7 में इलेक्ट्रिकल पावर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करें. व्हाट इज रियोस्टेट? इट इज वायर वाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टर. एक वायर वाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टर को रियोस्टेट कहते हैं. रियोस्टेट एक बेयर मैंगनीन वायर पर मुश्तमिल होता है जो कि इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर बाउंड की होती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं. इस वायर के दोनों एंड्स टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया जाता है. यहाँ टर्मिनल ए और बी दिखाए गए हैं जो आपस में कनेक्टेड है. एक टर्मिनल सी जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्टेड होता है जो कि इसके ऊपर इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं. अब हम रियोस्टेट की दो एप्लीकेशंस या यूजेस को स्टडी करते हैं. पहली एप्लीकेशन है रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर. हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर? इस पर्पस के लिए एक फिक्स टर्मिनल ए को हम स्लाइडिंग टर्मिनल सी के साथ सर्किट के अंदर इंसर्ट करते हैं. स्लाइडिंग टर्मिनल सी जो है जब मूव करता है टूवर्ड ए तो इसकी लेंथ डिक्रीज होती है, और लेंथ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है. और अगर हम टर्मिनल सी को मूव करें टूवर्ड्स बी तो लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी. अब हम रियोस्टेट की सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं. हाउ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर? इस पर्पस के लिए हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं, इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है उसको हम V के साथ डिनोट करते हैं. A और B के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो कैपिटल R होगी. यहाँ हमारे पास एक पॉइंट B और C जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C कहलाता है, इसके दरमियान जो पोटेंशियल डेवलप होगी डेट इज V B C, और इसके अकला जो रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल R होगी. अगर इस सर्किट के अंदर कैपिटल रेजिस्टेंस के अंदर करंट I फ्लो कर रही हो तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V over R होगा. You can measure the potential difference V B C across the terminal B and C. तो इसको हम ओम लॉ से लिख सकते हैं, V B C is equal to current into resistance. क्योंकि यहाँ पे small resistance R लगी हुई है B और C के across, इसलिए हम यहाँ पे R लिखेंगे. और current जो circuit में flow कर रही है वो हमने पहले ओम लॉ से लिखी है V over और तो हमारे पास वी बी सी की वैल्यू आई. ये इक्वेशन हमें ये शो करती है कि हम इस वी बी सी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर. स्मॉल आर को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करके चेंज कर सकते हैं. अगर हम सी को डाउनवर्ड मूव करते हैं और रेजिस्टेंस आर डिक्रीज होती है तो हमारे पास वी बी सी भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम इस सी को अपवर्ड मूव करते हैं तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी और ये पोटेंशियल अक्रॉस वी बी सी भी इंक्रीज होगा. व्हाट आर थर्मिस्टर्स? थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और इनकी एप्लीकेशन या यूजेस क्या हैं, ये हम देखेंगे. सबसे पहले हम थर्मिस्टर्स को डिफाइन करते हैं. थर्मिस्टर्स आर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर. हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स को हम थर्मिस्टर्स कहते हैं. इनकी कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जांपल निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन वगैरह शामिल होते हैं. इनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ बेक करके मुख्तलिफ रिक्वायर्ड शेप्स में हम इन्हें हासिल करते हैं, जैसा कि यहाँ कुछ शेप्स डायग्राम में दिखाई गई. थर्मिस्टर्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट्स के साथ अवेलेबल हैं. थर्मिस्टर्स जिनका टेम्परेचर कोफिशेंट नेगेटिव और हाई है वो यूज़ किए जाते हैं एक्यूरेट मेजर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अप टू 10 केल्विन तक मेजर. नेगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि थर्मिस्टर आर यूज फॉर लो टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू 10 केल्विन एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर। वॉट इज मैंट बाय टेम्परेचर सेंसर कि हम टेम्परेचर चेंजेस को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं और उसको हम ड्यूली प्रोसेस करके इसको टेम्परेचर चेंजेस को हम मेजर कर लेते हैं। नाउ वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। हम इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? द रेट एट विच बैटरी इज फ्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। जिस रेट के साथ बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है जिसकी EMF E है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V सप्लाई करती है और हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसको जोड़ देते हैं जिसकी रेजिस्टेंस R है, दो टर्मिनल A और B के अक्रॉस कनेक्टेड है। बैटरी इन चार्जेस के ऊपर वर्क डन करेगी और करंट फ्लो कराएगी। ये जो वर्क डन चार्जेस के ऊपर होगा इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस V से लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे हम वर्क डन को डेल्टा W और चार्ज को डेल्टा क्यू लिखेंगे और डेल्टा W इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू होगा। ये वर्क डन एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है और जिस रेट से एनर्जी सप्लाई होगी बैटरी को उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं और इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम टाइम टेक। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे V इंटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हम जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आई एंड इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू वी इंटू आई। नाउ टू फाइंड द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी is dissipated in resistance R, so therefore we can write power dissipation P is equal to V into I. हम power dissipation resistance के across इसी तरह लिख सकते हैं जैसा कि हमने power find की electrical battery की V into I according to law of conservation of energy। और हम इस expression को in terms of resistance लिखने के लिए V is equal to IR यूज कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखने के लिए I को रिप्लेस कर सकते हैं V की फॉर्म में I is equal to V over R। हमारे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ I लिखेंगे तो I की जगह V की जगह IR पुट कर देंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा I square into R। और अगर हम I को रिप्लेस करेंगे V over R की फॉर्म में तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा V over R। दीज आर two different expressions for the electrical power in terms of current and in terms of voltage. So जैसा कि हम जानते हैं कि voltage को हम volts में measure करते हैं और current को हम ampere में, तो जो electrical power की unit होगी that will be in watts. जो possible questions rheostat और thermistor से हैं और article 13.7 में वो given है। रियोस्टेट और थर्मिस्टर से शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो कि चार हैं। व्हाट इज रियोस्टेट राइट इट्स यूजेस एप्लीकेशंस। रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर कैसे यूज किया जा सकता है, एज अ वोल्टेज डिवाइडर कैसे यूज किया जा सकता है, थर्मिस्टर्स क्या हैं इनकी एप्लीकेशंस लिखें और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप पॉसिबल है।